हेलो दोस्तों, पोकेमोन जर्नी के एपिसोड 24 में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग जाने वाले हैं पोकेमोन लीग में कम्पीट करने के लिए और लड़ेंगे हम लोग एलीट फोर के चार रियल मेंबर्स से। तो चलो जल्दी से चलते हैं सफर पर। तो यहाँ पे हमें पोकेमोन लीग लड़नी पड़ेगी। दोस्तों मुझे लगता है हम तैयार है जाने के लिए और लड़ने के लिए। क्या पिकाचू तुम तैयार हो? तो चलो फिर। यस। ओए चलो दोस्तों, हम सबको फाड़ के रख देंगे। अब मुझे भी बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। पहले थोड़ा सा मैं भी डर रहा था, लेकिन अब मैं बिल्कुल नहीं डर रहा हूँ पिकाचू का रिएक्शन देख। अरे दोस्तों, यहाँ पे भी एक रेफरी खड़ा है, रेफरी से पूछते हैं। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस यहाँ पहुँचने के लिए। तुम्हें एलीट फोर के चारों मेंबर्स को एक साथ हराना पड़ेगा। अच्छा, एक साथ हराएंगे? ये तो बहुत आसान है, आराम से हरा देंगे। ओ यार, हेल्थ तो बढ़ाने को मिलेगी बीच बीच में। ए हाँ, वो तो है ही। चलो दोस्तों, यहाँ पे भी अभी हेल्थ बढ़ा लेते हैं ताकि अंदर जाने से पहले हमारे पोकेमोन बिल्कुल फिट होए। हाँ यार, वो तो बढ़ा ही लेंगे। ओए दोस्तों, याद है हमें रास्ते में एक बार सिस्मिक टॉस मिला था? एक काम करते हैं, वो चारिज़ार्ड को दे देते हैं। चारिज़ार्ड अगर वो मूव ले लेगा तो वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। ओए यार जैक भी, अपने पहली बार कोई दिमाग वाली बात करी है। हमने अब इतने सारे मूव्स इतने सारे पोकेमोन्स को नहीं दिए। एक काम करते हैं, धीरे धीरे सारे मूव्स सारे पोकेमोन्स को दे देते। चारिज़ार्ड को मैंने अभी वो तो सिखा दिया सिस्मिक टॉस। एक काम करते हो, फायर ब्लास्ट भी है हमारे पास। एम्बर अटैक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो एक काम करते हैं कि चारिज़ार्ड को एम्बर अटैक की जगह फायर ब्लास्ट सिखा देते हैं। ठीक है यार, ये भी कर देते हैं। हाँ, मैंने दोस्तों सिखा दिया चारिज़ार्ड को। और दोस्तों मुझे लगता है हम बिल्कुल रेडी है अंदर जाने के लिए। ठीक है फिर, चलो जल्दी से। ए हाँ, मुझे थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन अब अंदर जाते जाते एलीट फोर के रियल मेंबर्स को देखने मिलेगा। वो केव के अंदर तो नकली मेंबर्स थे। अरे ये तो कोई आंटी है। अरे ये तो वो लैब्रेस वाली आंटी है, याद है जिसने एक बार हमारी जान बचाई थी रास्ते में? ए हाँ, ये तो वही है। चलो दोस्तों, हम यहाँ पे आ गए। याद हूँ मैंने तुम्हारी एक बार जान बचाई थी। चलो कोई नहीं, तुम्हें कैसे याद होगा, बहुत टाइम हो गया उस बात को। अरे मुझे याद है, मैं हूँ फ्रोजन पोकेमोन की लीडर और मैं हूँ एलीट फोर की सबसे दिमाग वाली मेंबर, चाओ ड्यूगोंग। इसने तो ड्यूगोंग भेज दिया है। एक काम करते हैं, हम लोग ज़ाब्डोस भेज देते हैं। इलेक्ट्रिक पोकेमोन आइस पोकेमोन से ज्यादा ताकतवर होते हैं। ड्यूगोंग, आइस क्यूब्स फेंक के मारो। अरे इसे तो ज़ाब्डोस की हेल्थ काफी ज्यादा कम हो गई। ज़ाब्डोस थंडरबोल्ट अटैक। हाँ, ड्यूगोंग की आधी से ज्यादा हेल्थ कम कर दिया और उसे पैरालाइज कर दिया। वो पैरालाइज्ड है, एक काम करते हैं हम लोग थंडरबोल्ट मार देते हैं। अच्छा तुम ठंडा बोल मारे, उससे पहले ही मैं आइस मार दूंगी। अरे तू तो पैरालाइज था ना। ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, ठंडा बोल अटैक। इन्हें पता है कि पैरालाइज को फाड़ना कैसे है। ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, ये ऐसी थोड़ी ना एलीट फोर है। तब तुम्हें पता चल रहा है एलीट फोर की शक्ति, जाओ जिंक्स। जिंक्स को भी हम फाड़ देंगे, ये ले ठंडा बोल अटैक। ए थंडर बोल्ट इतना काम नहीं कर रहा उस पे, और वो आइस के ये क्या फुहारे मार रही है। यार ज़ाब्डोस की हेल्थ तो बहुत ज्यादा ही कम हो चुकी है। ज़ाब्डोस की हेल्थ कम नहीं हुई, ज़ाब्डोस तो मर गया। दोस्तों आइस के सामने आइस ही भेजते हैं, जाओ आर्टिकूनो। ये कौन सी चाल है कि आइस के सामने आइस भेजते हैं? चीता जैसे लोहे को लोहा काटता है, वैसे आइस को आइस काटेगी। तुम्हें लग रहा है ऐसा, लेकिन तुम्हारी आर्टिकूनो की हेल्थ ज्यादा कम हो गई। ये हेडबट अटैक है, आर्टिकूनो को हेडबट अभी हमने लेटेस्ट में सिखाया है। एक और हेडबट अटैक। जिंक्स वापस आओ। ए यार कितने सारे पोकेमोन है तेरे पास, जाओ स्लो ब्रो। एक और हेडबट का तू। हेडबट से स्लो ब्रो को तो कुछ भी नहीं हुआ। मुझे पता था, इसलिए मैंने शेल पोकेमोन भेजा। फ्लेम थ्रोर अटैक। अरे तेरे स्लो ब्रो को फ्लेम थ्रोइंग अटैक कैसे आते हैं? ओ यार आइस पोकेमोन पे फ्लेम पड़ गई, इसलिए वो मर गई आर्टिकूनो। पिकाचू मार दो स्लो ब्रो को। अरे लेकिन मारने के वो भी तो बताना पड़ेगा, गधे मसाओ। जीपी जाप अटैक मार पिकाचू। तुमने ये मारा हाँ? एक और मारेंगे। अरे मारने का मौका ही नहीं दिया, लेकिन तुम भूल रहे हो मेरे पास और दो पोकेमोन हैं। ओए अकेले के पास इतने पोकेमोन है तो बाकियों के पास कितने सारे होंगे, हम जीतेंगे कैसे? पिकाचू वापिस आओ, जाओ विनसोर। तुम विनसोर भेज रहे हो तो मैं भेज रही हूँ क्लोइस्टर को। अच्छा तूने क्लोइस्टर को भेजा, ये देखा मेरा विनसोर मेगा विनसोर में बदल जाएगा। अरे बहुत बढ़िया, हमने एक नया अटैक सिखाया है। तुम्हारे नए अटैक से पहले मेरे क्लोइस्टर की आइस बीम तो खाओ। अच्छा तूने घटिया सी आइस बीम मारी है। ए फुसड़ी आइस बीम, अब तू का सोलर बीम। दोस्तों मुझे लगता है वो सोलर बीम के लिए लाइट अब्सॉर्ब कर रही है। ए तो मारेगी भी तो सही। ओ भाई साहब, वन शॉट मार दिया तेरे क्लोइस्टर को। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने मेरे पोकेमोन को वन शॉट मारा हो। बोलो मत, मेरे पास अभी भी लैप्रेस है। हमने एक और नया मूव सिखाया विनसोर को, वो है अर्थक्वेक। ये क्या है, इससे ज्यादा हेल्थ कम नहीं हुई क्योंकि वो वाटर टाइप पोकेमोन है। अब तुम कहो ब्लिजर्ड अटैक, इससे तुम्हें आइस की धार लगेगी।
उरियो रॉयस की दौड़ की वजह से तो वीनसोर मर गया। वीनसोर वापिस आओ, जाओ पिकाचू। तुम्हारे पिकाचू को भी अभी ब्लिजर्ड अटैक सहना पड़ेगा। ए पिकाचू की हेल्थ कितनी कम हो गई, लेकिन पिकाचू जी पिज़्ज़ा अटैक मार दे और मार दे इस लैप्रिस को। उरी मरी नहीं लैप्रिस, एक और मार दे फिर। तुमने मौका ही नहीं दिया मुझे मारने का। हाँ मार दिया तेरी लैप्रिस को, तुमने चीटिंग करी है। तू जो भी बोल बुढ़िया, लाल बाल वाली पागल, हट जा यहाँ से। कितने ही पोकेमोन बचे होंगे तुम्हारे पास, जाओ लड़ो आगे जाके, मरना ही है तुम्हें। रियर वैसे बात तो सही कह रही है, ये हमारे पास पोकेमोन नहीं है, चलो हेल्थ बढ़ाने चलते हैं। और यार हम हेल्थ बढ़ाने नहीं जा सकते। इतना भी नहीं पता, बिना हेल्थ बढ़ाने जाना है, डायरेक्ट खेलना है। ए यार लोगों ने तो चीटिंग मचा रखी है यहाँ पे। दोस्तों एक काम करते हैं, अपना मैग्मार जिसकी फुल हेल्थ है उसे टीम में ले आते हैं, और भी बहुत सारे पोकेमोन से उन्हें टीम में ले आते हैं यार। ए यार एक काम करते हैं, गैराडोस को रख लेते हैं, वो भी बहुत ज्यादा ताकतवर है, टीम में रख लेते हैं उसको भी। उरी और हो, विनसोर फेंट हो गया ना, अब क्या करें, उसकी जगह भी तो किसी को रखना पड़ेगा। तुम आ गए बेचारा ले, मैं तो मैं छोड़ गया रे, मेरा नाम है घंचू पाद और मैं छुड़वाता हूँ सबके पास। अभी तुम गए यहाँ से, तुम्हें छोड़ूंगा रे। और ये तो साइको सा ट्रेनर लग रहा है, मुझे लग रहा है ये हमें फाड़ देगा। ये फाड़ ही देगा ना, हमारे पास तो इतने कम पोकेमोन बच रखे हैं। मैं भेज रहा हूँ ऑनिक्स को। अच्छा तू ऑनिक्स भेज रहा है, मैं भेज रहा हूँ इलेक्ट्रोबस को। तूने इलेक्ट्रोबस को क्यों भेज दिया, वो वन शॉट मर गया देख। अरे वो वन शॉट क्यों मर गया? अबे भाई शिनचान भूल गया क्या कि इलेक्ट्रिक टाइप रॉक टाइप के सामने नहीं टिक पाते? तो फिर जाओ मोल्ट्रेस। यार मोल्ट्रेस बचा लेगी हमें, फ्लेम थ्रोअर अटैक। सहलेगा मेरा ऑनिक्स, ऑनिक्स अब मारो आयरन टेल अटैक और फाड़ दो इस मोल्ट्रेस को। अरे ये तो फाड़ने वाड़ने की बातें कर रहे हैं, एयर स्लैश अटैक। सह गया मेरा ऑनिक्स। अरे एक और एयर स्लैश अटैक। अरे इस बार नहीं सहा मेरा ऑनिक्स, पर डरने की बात है ही नहीं क्योंकि अभी मेरे पास और तगड़े पोकेमॉन्स हैं। जाओ चारिज़ार्ड और बैंड बजा दो इस बंदे की। मैं भेज रहा हूँ अपने हिटमॉनली को। अच्छा तो अब देख हमारे मेगा चारिज़ार्ड वाई को। अच्छा मेगा चारिज़ार्ड वाई स्पेसिफिकली पता है, ये तो बढ़िया बात हो गई क्योंकि अब मैं स्पेसिफिकली मूव मार सकता हूँ ना वाई स्पेसिफिक। ये ले सिस्मिक टॉस अटैक। ए सिस्मिक टॉस उसकी आधी एचपी कम हो गई। अच्छा आधी एचपी कम हो गई, ये ले रॉक स्लाइड, इससे तेरी पूरी एचपी खत्म हो गई। और ये क्या है, वापिस आओ चारिज़ार्ड, जाओ मैग्मार। ओह मैग्मार आए हैं, अभी मैग्मार की बैंड बजानी पड़ेगी। रीज़ ने रॉक स्लाइड से मैग्मार को भी वन शॉट पे मार दिया। अरे ये बहुत बड़ी चीटिंग कर रहा है, ओए मैं छोड़ूंगा नहीं। जाओ गैराडोस। अरे गैराडोस है, ये ले रॉक स्लाइड। ए बच गया हमारा गैराडोस, आउटरेज अटैक। आउटरेज अटैक मारा है क्या? इससे थोड़ी बहुत लगी, लेकिन फिर से रॉक स्लाइड मारेंगे तो तुम्हारा गैराडोस नहीं बच पाएगा। गैराडोस बचाओ खुद को रॉक स्लाइड से। ए वो नहीं बचा पाया, वापिस आओ गैराडोस, जाओ पिकाचू। पिकाचू से पिज़्ज़ा अटैक। ओए फाइनली मरा हिटमॉनली, इसने तो हमारी बैंड बजा के रखी थी। मर गया, अब देखो उससे भी तगड़ा भेजा है माचैंप, इसको भी मार देते जीपी जैप अटैक। अच्छा अब मार दिया तुमने जीपी जैप अटैक, और अब तो मेरी बारी है, अब तो मैं अर्थक्वेक करके तुम्हारे पिकाचू को 2 सेकंड में धरती में फंसा सकता हूँ। ओए यार ये कैसा साइको ट्रेनर है, इसने तो हमारी बैंड बजा रखी है। पिकाचू वापस आओ यार, पिकाचू को जीतना था, मोल्ट्रेस जाओ। अच्छा ये भेजिए, ये भी रॉक स्लाइड से तो मरी जाएगी ना, चेक कर लेते हैं। अरे मर गई, थ्योरी प्रूवन कि लेजेंडरी भी रॉक स्लाइड से नहीं बच सकते। ओए यार मेरे को समझ नहीं आ रहा ये कैसे हार गए हम लोग। उरी यार मेरे को क्या लगता है ना कि हम लोग हेल्थ नहीं बढ़ा पा रहे, इसकी वजह से हम लोग हार रहे हैं। एक काम करते हैं ना कि हम 2 टीम्स बना के ले जाते हैं पोकेमोन्स की। अरे यार लेकिन हमें ये नहीं भूलना होगा कि हमारी टीम 1 तो तगड़ी है, पहली वाली लीडर को हरा दिया, लेकिन हमारी टीम 2 बहुत ज्यादा नूब है। तो अगर हम इस बार हार जाएं तो मुझे लगता है हमें फिर से सीखना पड़ेगा, वापस पोकेमोन जर्नी में पीछे जाना पड़ेगा और हमारे पोकेमोन्स को अच्छे से ट्रेन करना पड़ेगा ताकि हम एलीट 4 को हरा पाए। चलो फिर से चलते हैं और इस लैप्रिस वाली को हरा देते हैं। ए इस बार तो हम आराम से हरा ही देंगे, डरते थोड़ी है, पहले भी हरा ही दिया था तुझे। फिर से आ गए बच्चे, क्या हुआ पिछली बार बैंड बज गई तुम्हारी? अरे तेरी तो बचा के गए थे ना लेकिन बैंड। अरे बच्चे तुमने मुझे 2 इन a row हरा दिया, लेकिन तुम आगे नहीं जीत पाओगे, जाओ और अपनी बेइज्जती कराओ क्योंकि जीतना तो नहीं मान ले तुम बच्चे।
दोस्तों यार इस बार तो हमारे पोकेमोन से थोड़ी थोड़ी हेल्थ कम हुई है, एक बार एक काम करते हैं जल्दी से सबकी हेल्थ बढ़ा देते हैं। वो बढ़ा दो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आ जा बेटे तेरे से फिर से लड़ने आ गए हम। फिर से आ गए तुम लोग। जाओ पिकाचू। भाई फिर से पिकाचू के भेज दिया भाई, कजामा तेरे में दिमाग नहीं है क्या? पिकाचू वापस आओ। और सही में कजामा कितना बेवकूफ है। हाँ यार फिर पहले खुद ने बोला था कि इसके सामने इलेक्ट्रिसिटी कम होती है। कांट बिछा दो। कांट से तो कुछ भी नहीं हुआ मोल्ट्रेस को। वो मोल्ट्रेस एयर स्लैश अटैक। ओए एयर स्लैश कुछ नहीं हुआ तो ये ले हीट वेव अटैक। ये क्या है, इससे तो बहुत कुछ हो गया ऑनिक्स को। ऑनिक्स लपेट दे चाटा मोल्ट्रेस के मुंह पे। ये ले फ्लेम थ्रोअर अटैक। अच्छा फ्लेम थ्रोअर अटैक मार दिया, तुम्हें लग रहा है हेल्थ कम हो गई। हेल्थ क्या, मर गया वो। अच्छा मर गया क्या? अच्छा ये लो हिट मॉन लिखी रॉक स्लाइड का केस, मर जाओगे तुम लोग। अरे हम तो भूल गए, हमने तो पिकाचू को भेज दिया कहीं वो रॉक स्लाइड मार दे सही में। हेलो टाइम हो गया है रॉक स्लाइड। अरे तुम पहले कैसे मार रहे हो? पिकाचू से पिज्जा मार दिया फटाफट। बहुत बढ़िया वापस भी आ जाओ। जाओ मोल्ट्रेस। अरे ये क्या चली चल रहे हो मोल्ट्रेस, अब तुम हीट वेव मार दो। अरे ये क्या हो रहा है भाई? अरे तुम लोगों ने मेरी हीट मॉनली को मानसी पे छोड़ दिया, लेकिन मानसी पे छोड़ना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि ब्रॉक साइड मार के मैंने तुम्हारी मोल्ट्रेस को बैंड बजा दी। जाओ वीनसोर। वीनसोर तो पक्का बैंड बजा देगी। बैंड बजा देगी ना। ये लो गो रॉक स्लाइड खाओ। उरियो रॉक स्लाइड से ज्यादा कुछ नहीं हुआ वीनसोर को। वीनसोर वाइन वेव अटैक। ए वाइन वेव अटैक मार के तो हीट मॉनली की बैंड बजा दी। जाओ हिटमोन चैन। अच्छा हिटमोन चैन भेज रहे हैं विनसोर से, हरा सकते हैं हिटमोन चैन को, क्योंकि मैं विनसोर को मेगा इवॉल्व कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया सही चल रहा है अब तू। ए हाँ मुझे लग रहा है अब हम जीत सकते हैं। अरे घुसंड पड़ गया। सही टाइम पे घुसंड मारा ना तुम्हें। ओ यार ये तो बहुत तेज है हिटमोन चैन। ये बहुत तेज है, ये ले एक और घुसा। अरे यार जितने में हमने बोला उतने में तो इसने दो घूंसे मार के विनसोर को सुला दिया। जाओ आर्टिकुनो। अरे आर्टिकुनो जाती है, उसकी हेल्थ कैसे कम हो गई? याद है जो मैंने कांटे बिछाए थे स्टार्टिंग में, उस कांटों ने तुम्हें चोट बजाना स्टार्ट कर दिया है। दिखाओ तुम लो फायर पंच। आर्टिकुनो हेडबट अटैक। अरे हेडबट मारा। एक और हेडबट। अरे दो हेडबट मारा। ये एक और फायर पंच खा और मर गई तुम्हारी आर्टिकुनो भी। जाओ चारिज़ार्ड। उरी और चोरिज़ार्ड की भी हेल्थ कम हो गई उन कांटों की वजह से। ये लो सिस्मिक टॉस अटैक। अरे बहुत बढ़िया सिस्मिक टॉस मार के तो हिटमोन चैन मर गया। मार दिया तुम लोगों ने मेरे हिटमोन चैन को, लेकिन अभी भी मेरे पास बचा है माचैम्प। उसको भी पड़ेगा एक सिस्मिक टॉस। मुझे पता था ये फाइटिंग टाइप पोकेमोन है, इस पे सिस्मिक टॉस कुछ काम नहीं करता, बल्कि तुम खाओ रॉक स्लाइड और तुम्हारा चारिज़ार्ड मर गया। नहीं मरा था, ये ले फायर ब्लास्ट। ये क्या था, तुम्हारा चारिज़ार्ड रॉक स्लाइड से कैसे बच गया? ये लो एक और रॉक स्लाइड। अरे यार दो रॉक स्लाइड नहीं सह पाया चारिज़ार्ड। पिछली बार तो रॉक स्लाइड को फाड़ के फायर ब्लास्ट मारा था बेचारे ने। चारिज़ार्ड वापस आओ। जाओ ज़ैपडोस। ज़ैपडोस रिपैक अटैक। ये क्या था? ये लो एक और। वापस आओ। मेरे पास अभी एक और पोकेमोन है। जाओ पॉलीराथ। पॉलीराथ वाटर टाइप है तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक मारना चाहिए। इलेक्ट्रिक शॉक मार के स्केल काफी कम कर दी। ये लो वाटरफॉल अटैक। एरी वाटरफॉल अटैक तो ज़ैपडोस पिट गया। उरी और ज़ैपडोस पिटता नहीं है। ज़ैपडोस एक और थंडर शॉक अटैक मार के पॉलीराथ को मार दिया। समझ नहीं आया मैं कैसे हार गया। जो भी हो आगे तुम नहीं जीत पाओगे, गेट भले ही खुल गया हो हारना तुम्हारा पक्का है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं, हमने सक्सेसफुली उस बंदर को तो हरा ही दिया है। ए दोस्तों तो बहुत ज्यादा ही मिस्टीरियस सा बैटल ग्राउंड लग रहा है। मुझे लगता है दोस्तों ये ना घोस्ट टाइप पोकेमोन यूज करेंगे, इसलिए मुझे भी लगता है हमें अपनी टीम में थोड़े घोस्ट टाइप पोकेमोन रख लेने चाहिए। चलो दोस्तों चलते आगे। दोस्तों मैंने ये टीम बनाई है, मैंने इसमें स्नोरलैक्स जिंक्स टेंटाग्रुअल हॉन्टर और कडाबरा को रखा है, और ज़ैपडोस भी बच गया था पिछले मैच से तो मैंने उसे भी रख लिया है। मटे तुम यहाँ आ तो गए हो लेकिन जीत नहीं पाओगे, तुम्हारी हार निश्चित है। हारोगे तुम, हारोगे पक्की बात है, तुम हारोगे। अरे पागल है क्या बुड्ढी? जाओ आरबॉक। ऐ घटिया से आरबॉक को भेज रही है। जाओ स्नोरलैक्स। ये कोई ऐसा वैसा आरबॉक नहीं है, इसमें भूतिया शक्ति है, पॉइजन जैब। अरे पहली बार इतना तगड़ा पॉइजन जैब देखा। मैं कहता हूँ स्नोरलैक्स से सोलर बीम अटैक करवाते हैं। ठीक है स्नोरलैक्स सोलर बीम अटैक। ए लेकिन यहाँ पे तो लाइट ही नहीं है। ओ यार सोलर बीम अटैक तो तब करवाना चाहिए जब लाइट हो। तुम्हारा स्नोरलैक्स तो मर गया, वो सोलर बीम ही नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पे कोई लाइट ही नहीं थी। जाओ ज़ैपडोस। मुझे पता था तुम्हारे पास ज़ैपडोस है और वो थंडर शॉक मारेगा, लेकिन पॉइजन जैब नहीं झेल पाएगा। एरिया ज़ैपडोस को पॉइजन जैब कुछ ज्यादा ही जोर से लग गया। मुझे लगता है हमें एक और थंडर शॉक मार देना चाहिए। एरिया थंडर शॉक से मर क्यों नहीं रहा, अरबो कितना तगड़ा है। एक और पॉइजन जैब।
रियल इस पॉइजन जैब से तो ऑलमोस्ट ज़ैप्डोस मर गया था, लेकिन उसने रिवेंज में एक थंडर शॉक मार दिया और आर्बोक मर गया। वापिस आओ चारबोक। ज़ैप्डोस तुम भी वापिस आओ। जाओ गेंगार। जाओ जिंक्स। शैडो बॉल अटैक बच्चे। अरे शैडो बॉल अटैक से तो एक शॉट में ही मर गई जिंक्स। जिंक्स वापिस आओ। बुरी और मुझे लगता है मैं टेंटाक्रूल को भेजना चाहिए। जाओ टेंटाक्रूल। अरे ये टेंटाक्रूल मार पाएगा? मैं तुम्हें मारने का मौका ही नहीं दूंगी। शैडो बॉल। शैडो बॉल से बच गया। अरे ये ले डिफेंस अटैक। ये डिफेंस लगा दिया ताकि इसके शैडो बॉल से बच जाए। तो मैं लगा मैं शैडो बॉल मारूंगी। ये लो स्लज बॉम्ब। दूसरा टेंटाक्रूल भी मर गया। वापस आओ यार टेंटाक्रूल। जाओ कडाबरा। ए यार कडाबरा तो जीत जाए यार। अरे यार ये मारने का मौका दे तब ना। एक और स्लज बॉम्ब। अरे यार कडाबरा भी मर गया वन शॉट। कडाबरा तुम भी वापस आओ। तुम नहीं जीत पाओगे बच्चे। तुम्हारे पास भी घोस्ट टाइप है। ये लो तुम्हारे घोस्ट टाइप को कंफ्यूज कर दिया। ये क्या किया तूने? हाँ अब खाओ शैडो बॉल। हमारे हॉन्टर को अंधा करके शैडो बॉल मार दिया भाई। कितनी गंदी बुढ़िया है। वापस आओ हॉन्टर। जाओ ज़ैप्डोस। यार ज़ैप्डोस को तो मौका मिल जाए मारने का। तुम्हें लगता है मैं दूंगी ये लो स्लज बॉम्ब। अरे यार ज़ैप्डोस की हेल्थ वैसे ही बिल्कुल कम थी और इस स्लज बॉम्ब से वो एक शॉट में मर गया। यार हम लोग हार गए दोस्तों। मुझे लगता है अभी हम बिल्कुल तैयार नहीं है एलीट फोर से लड़ने के लिए। हमारी दूसरी टीम तो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। हमें अपने पोकेमॉन्स को और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और मुझे लगता है हमें अभी उनको और ट्रेन करने की ज़रूरत है। चलो और ट्रेन करते हैं उन्हें। दोस्तों कोई भी पोकेमॉन दिखे वो पकड़ना है। अरे यार ये अंडे हमारे पीछे आ ही जा रहे हैं। ए यार इन अंडों को भी पकड़ लेंगे। ये एग्जीक्यूट है। इन्हें पकड़ना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। इनके किसी काम के नहीं है। कोई बात नहीं हम इसे भी पकड़ेंगे। हम सारे पोकेमॉन पकड़ेंगे। हाँ यार हमें ट्रेन करने हैं अपने हर पोकेमोन को। वो यार ताकि हम एलीट फोर के आखिरी तीन मेंबर्स को हरा पाए। यार आखिरी तीन मेंबर्स को हराना बहुत ज़्यादा टफ है। हम कैसे ना कैसे दूसरे मेंबर को तो हरा लेते हैं लेकिन हम तीसरे मेंबर को तो बिल्कुल नहीं हरा पाएंगे। और हमने फोर्थ मेंबर को तो अभी तक देखा भी नहीं है। दोस्तों मैंने अभी पोलीराज पकड़ लिया, पोलीवैग पकड़ लिया, एक एग्जीक्यूट पकड़ लिया। ए जो भी ट्रेनर दिखे हमें रास्ते में उन्हें पकड़ पकड़ के हराना है। ए इस ट्रेनर को भी हरा के रहेंगे। हाँ यार हमें स्नोरलैक्स को भी ट्रेन करना है क्योंकि बेचारा वो लड़ नहीं पाता ढंग से और सोता रह जाता है। और इस ट्रेनर को भी छोड़ेंगे नहीं हम। ओए जो भी दिखे ये ऑनिक्स को भी हमारा टेंटाक्रूल मार देगा। जीत के रहेंगे हम लोग। तो अबे माचोगे हमें इसे भी पकड़ना होगा। दोस्तों हमें हर एक वो पोकेमॉन पकड़ना है जो हमें रास्ते में दिखे क्योंकि कोई भी पोकेमॉन ताकतवर हो सकता है और कोई भी पोकेमॉन हमें एलीट फोर को हराने के काम आ सकता है। चाहे वो माचैम क्यों ना हो, माचो क्यों ना हो या फिर कोई सा भी एरा गैरा एग्जीक्यूट क्यों ना हो। दूसरे प्राइमेप काफी ज्यादा टक्कर दे रहा है। यही तो मौका है हमें कडाबरा और अपने मेगा चारिज़ार्ड एक्स को ट्रेन करने का। और मेगा चारिज़ार्ड एक्स की फायर ब्लास्ट को भी हमें बहुत ज्यादा तेज करना है। ए जैसे इसने अभी एक शॉट में ही मार दिया टॉरस को और एक शॉट में ही मार दिया प्राइमेप को। यार हम लोग का बच्चे होते जा रहे हैं। गाइस लाइक कर दो इसी बात पे। हम लोगों को हॉन्टर का ये शैडो बॉल को भी बहुत तेज करना होगा। हाँ यार हम अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पे मेरे को नीडो क्वीन दिख रही है। हाँ तो उसे भी पकड़ लेना। दोस्तों ये ऐसे पकड़ में नहीं आएगी। मुझे इस पे अल्ट्रा वॉली फेंकनी पड़ेगी और थोड़ी बेरीज देनी पड़ी है। ए मुझे लग रहा है आप पकड़ में आ जाएगी आराम से क्योंकि मसाओ ने पहली बार अपने छोटे टकले गंजे दिमाग का इस्तेमाल किया है। अरे दोस्तों यार ये एग्जीक्यूट हमारा पीछा क्यों करे जा रहा है? ए यार हमारे पास प्रैक्टिस करने के लिए इतना टाइम भी नहीं है और ये एग्जीक्यूट हमारा पीछा कर करके हमारा दिमाग खराब कर रहा है। और एग्जीक्यूट आ रहे हैं भाई। एग्जीक्यूट हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं भाई? यार मुझे नहीं पता। एक काम करती है ना एग्जीक्यूट तो किसी काम की नहीं है तो एक काम करते चेक करते अगर हमारे पास लीवस्टोन हो तो हम लोग एग्जीक्यूट को एग्जीक्यूटर बना सकते हैं। एक कुछ भी लीवस्टोन कितने रेयर होते हैं। अबे ले रेयर होते हैं लेकिन हमारे पास दो है। अरे जिसका मतलब ये है कि हम लोगों ने एग्जीक्यूट को Congratulations, execute evolved into Exeggutor and it's a rare Pokemon. It's a rare Pokemon. दोस्तों जिस Pokemon को हम अंडा भुर्जी समझ रहे थे वो तो यार काम का Pokemon निकला। अरे यार ये तो हमारे पीछे ही पड़ गया है। ए यार ये तो अभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। अरे यार इसको बोलो Pokeball में आ जाए। ए यार ये हमारा पीछा क्यों करे जा रहा है? उरी उरी तो अभी भी हमारे पीछे ही है। दोस्तों फाइनली थक के पोकेबॉल के अंदर आ ही गया। दोस्तों यार गैलाडोस का बहुत ज्यादा शुक्रिया क्योंकि यार गैलाडोस की वजह से हम बिल्कुल फास्ट स्पीड में पूरा पानी के अंदर देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा पोकेमॉन है या फिर जिम लीडर है ताकि हम उन लोगों से भी फाइट कर सकें।
ये गैरेडोस सही में जो पिकाचू सर्फिंग बोर्ड पे हमें धीरे धीरे ले जाता था, ये तो बहुत तेज ले जाता है। ए दोस्तों, मैंने इसको हराया और इसने मुझे 5 रेयर कैंडीज दी। हमारे पास 5 पहले भी थी और 5 अभी तेरे को भी मिल गई। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 10 है और अभी वाटर टल का लेवल 26 है, तो अगर हम इस पर 10 रेयर कैंडीज यूज करें तो वाटर टल ब्लास्टोइज में इवॉल्व हो सकता है। शायद दोस्तों मेरी थ्योरी बिल्कुल सही है। अरे यार ये 36 लेवल का तो हो गया, अब देखते क्या होगा। Congratulations, water teleport into Blastoise. दोस्तों हम तो पानी की गहराइयों में आ गए, देखते हैं यहाँ पे कौन सा पोकेमोन मिल सकता है हमें। अरे ये कौन सा पोकेमोन हमसे टकराया? उरी तो हॉर्स ही है। अरे ये तो बहुत ही प्यारा पोकेमोन है, मुझे इसे पकड़ना ही होगा। ए यार हाँ, जो उन सा पोकेमोन दिखे हमें सबको पकड़ना है ना भाई। हाँ यार ये वाला तो ऑलमोस्ट आई गया पकड़ में। ओ यार मेरे को लग रहा है हम बहुत ज्यादा गहराई में है। ये देखो यहाँ पे और कौन सा है। अरे ये तो सीड्रा है। उरी तो हॉर्सी का बड़ा वर्जन है। अभी हमें हॉर्सी मिली और हमें सीड्रा साथ में ही मिल गई। उरी तो पकड़ना होगा, कहीं भाग ना जाए, उससे पहले पकड़ लो। हाँ दोस्तों मैं पोकेबॉल फेंक रहा हूँ, शायद आराम से पकड़ में आ जाना चाहिए। हाँ दोस्तों आ जाएगा। आ गया दोस्तों। जैसे तुम पानी में थे तो मैं पत्थरों को छांट रहा था और मुझे यहाँ पे कंगस खान मिल गया। अरे तो कंगस खान भी पकड़ लेते हैं। उरी और मैंने एक्सीडेंट थ्रो कैसे कर दी इतनी तगड़ी वाली। ए यार वो तू भी बड़ा समझदार होते जा रहा है। बहुत बढ़िया, जैसे तुम लोग पत्थर और वो ढूंढ रहे थे, मैं गटर में काम कर रहा था और मेरे को ग्रिमर मिल गया। छी यार तेरे से यही उम्मीद थी। लेकिन पकड़ ले भाई, हमें हर पोकेमोन को पकड़ना है। दोस्तों यहाँ पे मेरे को एक जिम लीडर मिली और ये कह रही है बहुत ज्यादा ताकतवर है क्योंकि इसके पास एरोडैक्टिल और काफी ज्यादा रेयर पोकेमोन्स है। रेयर तो रेयर वेयर है तो क्या हो गया, हम भी अब बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। दोस्तों लेकिन याद है ना, हमें अपने दूसरी टीम को भेजना, ना कि पहली टीम को। चाओ ओ मास्टर। रेयर ये कौन सा पोकेमोन है? हम भेज रहे हैं स्नोरलैक्स को। उरी मैंने ना स्नोरलैक्स को एक तगड़ा मूव सिखाया है, हाइड्रो पंप अटैक। अरे हाइड्रो पंप लग गया स्नोरलैक्स को और स्नोरलैक्स 2 फीट दूर जाके गिरा। लेकिन दोस्तों मैंने इसे सुपर पावर अटैक सिखाया है। ये कैसा अटैक था? अरे वाह बहुत, तूने तो यार स्नोरलैक्स को काफी ज्यादा ताकतवर बना दिया है। अरे मैंने इसको इतना ताकतवर बना दिया कि ये 2 हाइड्रो पंप अटैक से आ गया। अरे यार एक और सुपर पावर अटैक मार देना। ये क्या था, तुमने 2 सुपर पावर अटैक मार के मेरे मास्टर को इतनी हेल्थ कम कर दी कि तुम एक और हाइड्रो पंप खाओ। अरे यार हाइड्रो पंप खा लेगा ना वो, मैंने इतना ताकतवर तो बनाया कि 3 हाइड्रो पंप से ले। एक और सुपर पावर अटैक मार दे। वो मैंने मार दिया और वो मास्टर मर गया। दोस्तों स्नोरलैक्स ने बहुत मेहनत की है इतनी ऊपर आने के लिए ताकि वो इतने अटैक्स मार पाए और सह पाए, इसलिए इसी बात पे स्नोरलैक्स ओपी तो बनता है। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। हाँ और हम भी नहीं मानेंगे, अब तू से हमारा ब्लास्टोइज। सस्ता सा ब्लास्टोइज ही तो है ये। सस्ता सा ब्लास्टोइज नहीं, अब तू से मेगा ब्लास्टोइज। तेरे एरोडैक्टिल को तो फाड़ देंगे। तुम इतना बोलोगे, ये लो रॉक स्लाइड अटैक। अरे दोस्तों ये तो वही अटैक है जो एलीट 4 के मेंबर्स मार रहे थे। हाँ इसे हमें सहना ही होगा। बबल बीम अटैक। अरे बबल बीम अटैक तो बहुत ज्यादा ताकतवर है। एक और रॉक स्लाइड अटैक। अरे 2 रॉक स्लाइड अटैक ब्लास्टोइज सह गए और हमारे पोकेमोन्स तो एक भी नहीं सह पा रहे थे। एक और बबल बीम अटैक। अरे 2 बबल बीम में एरोडैक्टिल को मार दिया। ऐसा कैसे हो सकता है, आज तक किसी पोकेमोन ने मेरे एरोडैक्टिल को नहीं हराया है। वापस आओ ब्लास्टोइज, जाओ एग्जीक्यूटर। गलत किया तुमने एग्जीक्यूटर को भेज के, क्योंकि मेरा काबूटॉप्स तुम्हारे एग्जीक्यूटर के पत्ते काट देगा। रियर एग्जीक्यूटर। यार एग्जीक्यूटर को तो बहुत तेज चोट लग गई। उरी और एग्जीक्यूटर वापस आओ। जाओ चारिज़ार्ड, तेरी की तेरी तो अभी बैंड बजाएगा। ये ले फायर ब्लास्ट अटैक। ए फायर ब्लास्ट अटैक को तो हमने बहुत सिखाया चारिज़ार्ड को, लेकिन फिर भी इतना इफेक्टिव नहीं था। यार उसने रॉक साइड अटैक मार दिया और चारिज़ार्ड सह नहीं पाया। उरी और मुझे लगता है अभी चारिज़ार्ड को और ट्रेनिंग की जरूरत है। ठीक है मैं भेज रहा हूँ ब्लास्टोइस को। उरी और ब्लास्टोइस की तो वैसे ही हेल्थ काफी कम थी, तूने क्यों भेज दिया? एक और रॉक स्लाइड अटैक। यार तीसरा रॉक स्लाइड तो नहीं सह पाया ब्लास्टोइस, लेकिन ब्लास्टोइस के लिए गाइस लाइक तो बनता है। मैं गैरेडोस को भेज रहा हूँ। गैरेडोस वाटरफॉल अटैक। उरी और वाटरफॉल तो लगा काबूटॉप्स को। रॉक स्लाइड अटैक। अरे यार एक ही अटैक है क्या इन लोगों के पास? ओए लेकिन अपना गैरेडोस तो सह गया रॉक स्लाइड को। एक और वाटरफॉल अटैक। उरी और काबूटॉप्स ऑलमोस्ट मर गया था। अरे वो पिछले मूव के बाद अटक चुका है, इसलिए हम एक और वाटरफॉल मार के काबूटॉप्स को हमने मार दिया। तुम लोग मेरे से कैसे जीत गए, मैं तो काफी ज्यादा रेयर पोकेमोन्स लेके आई थी। यस हम लोग जीत गए। उरी इसने भी हमें थोड़ी बहुत रेयर कैंडीज दी। अरे 5 दिए, 5 थोड़ी बहुत नहीं, हम मैंने थोड़ी बहुत ना कडाबरा को दे दी और थोड़ी ब्लास्टोइस को दे दी। वो दोनों को लेवल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर दिया, बहुत बढ़िया। दोस्तों मुझे लगता है हम बिल्कुल रेडी है पोकेमोन लीग के लिए।
दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसी बात पे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो ताकि जैसे मैं वीडियो डालूं आप लोगों को चल जाए, और हाँ वीडियो को भी लाइक कर दो। हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।